दीदी वो हमारे पंजाब में इलेक्शन है, पंजाब में चुनाव है, कौन जीतेगा इस चुनाव में? सर इस बार तो आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहिए। क्यों? हाँ आम आदमी पार्टी, क्योंकि हमने पहले कांग्रेस को वोट डालते थे, ठीक है, हम गरीब फैमिली से हैं, जिनका घर मकान अपना है और सरकारी नौकरी करते हैं, उनका नीला कार्ड बना हुआ है, ठीक है, वो कनक खाते हैं, मेरे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं भी काम करती हूँ, मेरे को सिर्फ 6,000 रुपया मिलता है, ठीक है, और हमारा नीला कार्ड नहीं बना, हमने कितनी बार फार्म भर के दिए, नीला कार्ड नहीं बना, तो इस बार मेरे हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया जाए और आम आदमी पार्टी ही आनी चाहिए। यहाँ में ना वो कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो अभी कांग्रेस में नहीं है, नया पार्टी बनाया, उसमें क्या हो जाएगा चुनाव में? सर अब मुझे किसी का कुछ नहीं पता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए तो आम आदमी पार्टी ही आनी चाहिए इस बार। है ना हमारे चंडी साहब का ये शासन अभी कैसा है? सतीन साहब, सतीन साहब है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सीएम, सीएम के बारे में आप क्या बताएं? सीएम के बारे में तो आप, आपको पता ही है, जैसे काम करेंगे वैसे ही मिलेगा वोट, ठीक है ना सर? बाकी आगे जनता के हाथ में किसको वोट पाना किसको नहीं पाना, ठीक है ना सर? इसलिए वो ये चुनाव में आम आदमी पार्टी है और भाजपा है, उसमें कौन जीतेगा? जीतने में तो देखो यहाँ पर अभी कोई वो नहीं है, वैसे आम पार्टी का ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पर ज़्यादा आम पार्टी को ही वोट पड़ने का चांस पूरा है, बस बाकी यहाँ पर किसी को ज़्यादा। भैया आप भी कहो, ये है ना चुनाव के बारे में क्या है, कौन जीतेगा, अभी हवा किसके पास है ऐसा वोट? देखो जो हवा है ना वो कांग्रेस और आप पार्टी का, आप आम आदमी पार्टी का है, ठीक है ना, जो मुकाबला है, ठीक है ना, तो बीजेपी का तो कोई नामो निशान नहीं है, अकाली दल का कोई नामो निशान नहीं है, बीएसपी का कोई नामो निशान नहीं है। हम मैं यहाँ का वसनीक हूँ, तो मैं ग्राउंड लेवल पर मैं मुझे सारी नॉलेज है, ठीक है, हमने वोट डालनी है, वोट डालेंगे अपने बढ़िया कैंडिडेट को, वोट डालेंगे, ठीक है ना। तो कैंडिडेट काम क्या करता है क्या नहीं करता है, 70 साल से हम चार पांच जो प्रॉब्लम है हमारी उससे जूझ रहे हैं। असा की वो आवाज होनी आ, साढ़े तक इन्हें बाले वाले पैसे नहीं दवाए हल ती है, तो असी की वोट पानी है, साढ़े वास्ते बादल ही सही आ। उसमें कौन जीतेगा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा, अकाली दल, कौन सा पार्टी? कोई पार्टी पूर्टी साढ़े नहीं हैगी, साढ़े लिए बादल ही आ। क्या हुआ वो पंजाब में अभी क्या हुआ आप इतना बोलने के लिए? आज जाके साड़ी सड़क देख, बेड़ा गर्क हो गया साड़ा। हाँ साड़ा ही नहीं है, असी किसे हाल नहीं है। ये पूरा वो सरकार का काम है, वो लोग कुछ नहीं किया, सरकार का ही काम है, और किया गया सरकार का ही काम है। हाँ साड़ा कुछ नहीं किया, साडे बाले बाले छत्तों के पैसे दिते गए ने, है करजा चक चक छत्ता पाइया तो मुड़ के भेजे उ हाँ सब इदा ही बेड़ा गर्क किया साड़ा, पार्टियां पुर्टियां इदा ही ना दियाँ। हाँ जो तो लैनिया होंगे वोटा वो तो हाथ जोड़ते हैं, तो मुड़ के तू कौन तो मैं कौन? यहाँ है ना चुनाव, चुनाव में कौन जीतेगा, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल, कौन जीतेगा? ये देखो जी हम सरकार आई गई पता लगेगा ना, जो कुछ कांग्रेस ने किया ना अकालिया ने किया ना की करती कहते ज्यादा जो आम पार्टी ने ऐसी मौका देना ये बात। वो कांग्रेस का सरकार है, ये सरकार ने आप लोगों के लिए क्या किया? क्या किया कुछ भी नहीं, चन्नी ने तो किया है, लेकिन बीच में अभी दूसरे मेंबर जो है घुस गए हैं, वो बोलता मैं बनूंगा, वो बोलता मैं बनूंगा, इन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया, तो इसमें दोनों का ही क्या हो सकता है अभी, इसलिए दुनिया डामाडोल है। अभी अभी पंजाब में कौन आएगा, आम आदमी आएगा, अकाली दल आएगा, इसका फायदा आम आदमी पार्टी उठा जाएगी, अभी इनके झगड़े में आम आदमी उठा जाएगा फैसला। और नहीं नहीं वो आपको सही बात बता रहे हैं, उनमें किसी ने उन्होंने गलत नहीं बोला आपको, कि लोगों ने बहुत देखा पंजाब में अकाली आ गई कांग्रेस आ गई, अकाली आ गई कांग्रेस आ गई, अब थर्ड पार्टी आई तो उन्होंने च्वाइस किया थर्ड पार्टी को कि ये क्या करते हैं आकर के। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है ना, उनको अभी क्या रोल है? उनका रोल तो कुछ भी नहीं है, उनका तो खत्म है, उनको खत्म है बिल्कुल से, लाइफ अपनी खत्म कर ली। जब तक वो थे उस चीज में कांग्रेस में थे, ना जाते उसमें बीजेपी से ना गठबंधन करते, तब तक उनकी इज्जत थी, कांग्रेस फिर भी उनकी इज्जत करती, वो उतर गए थे तब पर भी इज्जत करते वो,
लेकिन अब कौन इज्जत करेगा उनकी। ये किसान आंदोलन है ना, वो किसान आंदोलन ने लोगों को इतना जगाया है कि अब वो नेता से सवाल पूछने लग गया। हाँ। अपने एरिया के नेता से वो सवाल पूछने लग गया, बताओ तुमने 5 साल में इस साल में कितना कुछ किया। वो तो लठ लेके खड़ा हुआ है किसान गाँव गाँव में, वो तो किसान जो है लठ लेके खड़ा हुआ है गाँव गाँव में, वो किसी को देखना पसंद नहीं करता, ना कांग्रेस वाले को ना अकालियों को। अभी इस बार आम आदमी पार्टी आएगा, ये हम नहीं कह सकते। इसमें हम ये हमारी ये च्वाइस नहीं, हम किसी को आपको कह दें कि हम ये इस बात को गारंटी दे दें आपको कि नहीं आम आदमी पार्टी आएगी। लेकिन जो हकीकत है वो किसान आंदोलन ने दुनिया को जगाया है। 13 महीने आंदोलन करना आंधी पानी तूफान में ठंड में, ये मामूली बात नहीं थी उनके लिए। कितने मरे, अभी सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है वो ये मानने को तैयार नहीं है कितने लोग मरे। वो चुनाव है पंजाब में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी क्या है यहाँ का ये स्थिति क्या है भाई, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई भी आ सकता है। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं भाई, अब इसको तो वक्त ही समय ही बताएगा। अब हमारे प्रधान जी हैं, पंडित जी बताएंगे। अब भाई फिलहाल वक्त समय ही बताएगा, अब ऐसा कैसा कह सकते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, है कि नहीं। ये पंजाब में चुनाव है, कौन जीतेगा उसमें, कांग्रेस आम आदमी पार्टी अकाली दल और भाजपा और कैप्टन, उसमें कौन जीतेगा। पहले तो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए आठों वालों के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचना, चाहे अकाली आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे भाजपा आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कम से कम जो गरीब आदमी है, आप लॉकडाउन लगाते, लॉकडाउन लग गया दिल्ली में केजरीवाल सबको राशन दे रखने, इधर किसी के 10 रुपए भी किसी को दिए, जहाँ तो कोई भी आदमी आकर इधर कोई भी मंत्री आके बोले बेरी को, बेरी इधर आया था पूरे अपने स्टाफ ने, जितने भी ऑटो वाले हैं सब ने वोट डाला, बेरी ने क्या सोचा, कम से कम वो तो इतना तो चाहिए, कम से कम लॉकडाउन लग गया घर घर थोड़ा ऑटो वाले का राशन पहुँचता थोड़ा बहुत, 200-400-500 हजार जितना उसका हिम्मत था, ग्रांट आती है वो पेट में चली जाती है, लेकिन ये नहीं किसी ने सोचा कि ऑटो वाले के लिए भी क्या कुछ सोचना है। सही बात, ग्रांट खा लेते हैं लेकिन ऑटो वालों के लिए ये इंसान नहीं है, जहाँ तो जहर दे के मार दो वो सब ठीक है, इलेक्शन में कौन जीतेगा, खिचड़ी बनेगा, खिचड़ी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अकाली इस समय चैप्टर क्लोज है, भाजपा के साथ उन्होंने जब गठजोड़ किया उस समय दिल्ली में हमारे कितने आदमी मरे, 700 आदमी मरा, किसी ने भी एक बार नहीं जो सोचा कि ये 700 आदमी मर गया उनके घर वाले कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, किसी ने सोचा, कुछ नहीं सोचा, 700 आदमी मरा, इसलिए काली आदमी जीरो हो गया। अभी वोट लेने के लिए भाई साहब क्या करेंगे, भाई साहब वोट देंगे, भाई साहब और कुछ देंगे, ठीक है, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। पंजाब ले मत्सरത്തിന്റെ തീവ്രത തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്। കോൺഗ്രസും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും അകാലി ദളും ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗും ബിജെപിയും സഖ്യത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വാശിയേറിയതാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്। നേരിയ മുൻതൂക്കം തന്നെയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് ഈ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാവുകയാണ്। ജലന്ധറിൽ നിന്ന് ബിജു തറയിലിനൊപ്പം ആദർശ് തുളസീധരൻ, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം।